हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईबीएस का चैप्टर एयर अराउंड अस लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज एयर? एयर इज ऑल अराउंड अस, जो हमारे आसपास है वो सभी क्या है? एयर है, हवा है। बट वी कैन नॉट सी आवर और टच इट, पर हम उसे ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। We can only feel it when it moves. Air has no taste or smell. हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं जब वो move करती है, हवाएं जैसे चलती हैं, और उस हवा में कोई ना तो स्वाद होता है और ना ही कोई smell होती है. We can feel the air inside our mouth when we blow our cheeks. We can feel air when we blow it into a balloon. हम हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं जैसे हमारे माउथ के अंदर इनहेल होती है, हमारे चीक से छू कर जाती है, या फिर हम कोई बैलून फुलाते हैं तो उस टाइम पर जो हवा होती है वो उसके अंदर फील हो जाती है, तो तभी हम उसको महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील एयर वैन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग टेबल फैन। टेबल फैन के सामने अगर हम खड़े हैं तब हम हवा को महसूस कर सकते हैं। All living beings need air to breathe. जैसे कि सभी को पता है, जितने भी living beings हैं सभी को air की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसी से हम हवा से ही क्या होता है, सांस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक picture बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो environment है, यहाँ पर क्या है? Air है जिससे वो breathe कर रही है। उसके बाद आता है fish breathe through gills। जो fish होती है वो कहाँ से सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है। नेक्स्ट आता है प्लांट ब्रीथ थ्रू होल्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स। प्लांट्स कहाँ से सांस लेते हैं? उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे सांस लेती है। नेक्स्ट आता है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हमें ये कैसे पता चलेगा कि एयर में स्पेस होता है या एयर भी कोई जगह मतलब लेती है? तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, टेक एन एम्प्टी बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट। तो एक खाली बैलून को फुलाएंगे अगर हम, तो उसमें क्या होगा, वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, उसका साइज जो है वो जैसे ही बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एक स्पेस बना रहा है। तो व्हाई डज इट बिकम बिगर, क्यों बड़ा हो रहा है वो? दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर, क्योंकि उसके अंदर एयर फिल की गई है। दैट वी हैव ब्लोन इनटू द बैलून, एयर टेक्स अप द स्पेस इनसाइड द बैलून एंड गिव्स इट अ शेप। तो इसी वजह से उसमें क्या है, एक शेप बन गई है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। देयर आर थ्री टाइप्स, ब्रीज, विंड और स्टॉर्म। सबसे पहले आता है ब्रीज। ब्रीज क्या होती है? ब्रीज मूव्स वेरी जेंटली। जो बहुत ही नम्र हवा चलती है, जो एकदम मतलब मीठी मीठी हवा जिसको बोल सकते हैं हम, तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। उसके बाद ऐसी हवाएं दैट मूव्स वेरी फास्ट, जो तेज तेज हवाएं चलती हैं उन्हें हम विंड बोलते हैं। और इसके अलावा जो बिजली चमकती है और उस टाइम पे जो एकदम बहुत तेज जो तूफान जैसा आता है तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीद। बच्चों को ये जरूर बताएं कि हम जो सांस लेते हैं वो क्या, इनहेल जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ एयर। एयर के कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई हुई है, कुछ इनसे भी पता चलेगा और उसी से रिलेटेड मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जैसे मैंने पीछे भी पिक्चर बनाई थी, ये जैसे यहाँ पे पिक्चर में क्या है, लिविंग बींग्स है जो नीड एयर टू ब्रीथ। तो यहाँ पे उसको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। जैसे कि कैंडल है, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो अगर आसपास एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये जलेगी नहीं। तो उसके लिए आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैंडल लगाई हुई है, तो अगर आपने ये कैंडल जैसे ग्लास अगर इसके नीचे इसके ऊपर सॉरी उल्टा रख सकते हैं, रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब तक उसके अंदर एयर है ग्लास के नीचे, जब तक वो जलेगी और
थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे एयर उसके अंदर की खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी। तो ये बच्चों को आप एक्सपेरिमेंट करके भी बता सकते हैं। एयर मूव्स द विंड मिल, जैसे कोई विंड मिल है तो अगर हवा नहीं होगी तो विंड मिल भी मूव नहीं करेगा। एयर मूव्स द सेल बोट ऑन वाटर, जो ये नाव बनाई है मैंने, बोट बनाई है, तो पानी में ये कैसे चलेगी, जब हवा चलेगी तो उसका प्रेशर बनेगा और ये मूव होगी आगे, अगर हवा नहीं होगी तो ये भी मूव नहीं कर पाएगी। उसके बाद आता है एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ्स, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है, अगर हवा नहीं होगी तो कपड़े भी जल्दी से नहीं सूख पाएंगे। एयर हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट, जैसे बच्चे फ्लाई करते हैं काइट को, तो इस तरीके से आप बच्चों को पिक्चर बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर एयर का यूज होता है। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर्स हैं इनका एग्जाम्पल लेकर और जो मैंने कैंडल का बताया था वो करवा सकते हैं, और ऐसे ही जैसे बैलून को आप ब्लो करके उसको भी बता सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब वर्कशीट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एयर हैज नो टेस्ट और स्मेल और साइज। स्मेल, प्लांट्स ब्रीथ एयर थ्रू होल्स प्रेजेंट इन देयर स्टेम और लीव्स। लीव्स, व्हेन विंड एंड रेन आर अकंपनीड बाय थंडरिंग और लाइटनिंग इज कॉल्ड स्टॉर्म और ब्रीज। स्टॉर्म, एयर दैट मूव्स वेरी फास्ट इज कॉल्ड, जो फास्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, विंड। एयर हेल्प्स अस टू रन और ब्रीथ। ब्रीथ, वी नीड ऑक्सीजन टू ग्रो। ब्रीथ किस काम आती है, ब्रीथ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस करा सकते हैं। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला आता है ह्यूमन ब्रीथ थ्रू, लंग्स, एयर टेक्स अप द डैश इनसाइड ए बैलून। इसमें एंड नोज भी लिखेंगे हम। नेक्स्ट है एयर टेक्स अप द स्पेस इनसाइड अ बैलून, डैश कैन मूव थिंग्स अलोंग विद इट। विंड कैन मूव थिंग्स अलोंग विद इट। ब्रीज इज द एयर दैट मूव्स जेंटली, मैंने यहाँ जेंटली फिल कर दिया है। एयर हेल्प्स अस टू ड्राई वेट क्लोथ्स, यहाँ पे भी ड्राई। तो इस तरीके से आप फिलअप्स करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैचिंग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिल्स, गिल्स को किससे मैच करेंगे, फिश, लीव्स, प्लांट्स, लंग्स, ह्यूमन, ब्रीज, जेंटल एयर, विंड, फास्ट एयर। तो जिस तरीके से डेफिनेशंस बताई थी उसी तरीके से मैचिंग है, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे करा है। तो इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स। सबसे पहले है वी कैन नॉट सी एयर बट टच इट, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, ना सी कर पाते हैं ना टच कर पाते हैं। ह्यूमन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड नोज, ट्रू। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, ट्रू। थंडर एंड लाइटनिंग आर फीचर्स ऑफ स्टॉर्म, ट्रू। एयर रन्स ए कार एंड पुशेस इट फास्टर, फॉल्स।
air helps to fly kite. True. Next आता है question answer. How does a fish breathe? क्या बताया था? Through gills. What gives shape to a balloon? बैलून को जब ब्लो करते हैं उसकी शेप किस तरह की होती है? ओवल, मोस्टली ओवल होती है. व्हाट इज द एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड? क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट करा सकते हैं बच्चों को. ये पूरा फिलअप्स, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस. तो जिस तरीके से मैंने पिक्चर्स बनाई हैं इसी तरीके से आप भी घर में करा सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.